हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा डेनिम ड्रेस जिसे मैंने ओल्ड जीन्स के हेल्प से बनाया है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डेनिम ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल जीन्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने करीबन 36 इंच की मेन साइज़ का ये जीन्स लिया है, जिसे प्लेस करने के बाद हमें सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम अपना जो नीचे का पैर का हिस्सा होता है वहाँ की भी स्टिचिंग ओपन कर देंगे और साइड की भी स्टिचिंग हम ओपन करेंगे। हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे बल्कि स्टिचेज ओपन कर देंगे ताकि हमें एक्सेस फैब्रिक मिल सके। नीचे का पैर की सिलाई तोड़ने के बाद हम साइड का जो क्रॉस एरिया का पार्ट होता है उसे भी तोड़ देंगे। थोड़ा सा धागा निकलने के बाद ये हाथों से बहुत इजी मेथड से ये टूट जाता है। हम सेकंड पैर पे भी सेम इसी तरीके का प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो जीन्स का दोनों पैर का हिस्सा होता है वो मैंने दोनों अलग कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, जहाँ तक हमारा जो कटिंग हुआ था, हमने जहाँ तक थ्रेड तोड़ा था वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस पार्ट को हम कट कर देंगे। नीचे पॉकेट होती है तो उसे आप ऊपर की तरफ कर दीजिए ताकि आप कटिंग करते समय कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप कट कर दीजिए और बीच का जो जॉइंट हिस्सा होगा दोनों लेग के बीच का, उसे भी आप सीजर की मदद से कट कर दीजिए। सो यहाँ मैंने कट कर दिया। अब हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देंगे और उसके बाद अपना कोई भी टॉप उसके ऊपर प्लेस करके मेजरमेंट ले लेंगे। पर उससे पहले ये जो फोल्डेड एरिया था सब हम आयरन की हेल्प से नीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है और अब मैं मेजरमेंट लूँगी। यहाँ पे मैंने अपना एक टॉप प्लेस किया है डेनिम का ही, उसे प्लेस करते हुए मैं मेजरमेंट ले लूँगी। अगर आपके पास ये डेनिम टॉप नहीं है तो आप अपनी कोई भी कुर्ती या टी शर्ट भी प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ऊपर की बॉडी कट करेंगे इस तरीके से। ये कटिंग हो जाने के बाद हमें शोल्डर के हिस्से को जॉइन कर देना होगा और अपने नेक के भी पार्ट को हेम कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर के हिस्से को जॉइन कर दिया और नेक का पार्ट भी हेम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे के पार्ट में ये व्हाइट कलर का मैं लेस लगाऊंगी। हमें फ्रंट और बैक दोनों ये लेस को लगा लेना है। सिलाई मशीन के हेल्प से मैंने यहाँ पे अपनी लेस लगा ली है और अब जो नीचे का बचा हुआ जीन्स का फैब्रिक था उसे भी मैं ये लेस के साथ जॉइन कर दूंगी। जॉइन करने से पहले हम अपना लेंथ नापेंगे। मुझे यहाँ पे 21 इंच का टॉप बनाना है, इसलिए मैं 22 पे मार्क करके कट कर दूंगी और नीचे का जो फैब्रिक बचेगा वो हम अपनी स्लीव्स का इस्तेमाल करेंगे उससे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा हल्का सा सेमी सर्कल मैंने देकर इसे कट किया है, स्ट्रेट नहीं कट किया है मैंने। सो यहाँ पे मैंने कट कर दिया। अब हम इस जो लेस है अपने इस फैब्रिक के साथ जॉइन कर देंगे। इस तरीके से हमें जॉइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जॉइन कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने आगे और पीछे दोनों जॉइन किया है। अब हम अपनी स्लीव्स कट करेंगे। जो नीचे का जो हमने घेरे में से कपड़ा निकाला था उसी से स्लीव बनाएंगे। हमें यहाँ पे दो यहाँ पे कपड़ा मिला है, हम सबसे पहले नीचे के हिस्से को हेम कर देंगे और अपने जो आर्म होल्स हैं वहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। दोनों एंड पॉइंट के जो ये फैब्रिक का एंड पॉइंट वहाँ पे प्लेस करेंगे और बीच का जो ये कपड़ा बचेगा वहाँ पे तीन प्लीट्स डालेंगे हम इसे। इससे ये पैटर्न भी बन जाएगा और आपके स्लीव्स का बहुत अच्छा लुक भी आएगा। आपको दोनों ही स्लीव सेम इसी तरीके से लगाना है। मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ, ये आपके फैब्रिक को आपके आर्म होल के पास प्लेस करना होगा और फैब्रिक के दोनों एंड पॉइंट को आर्म होल के एंड पॉइंट के पास सबसे पहले
प्लेस करना होगा और फिर बीच में जो ये फैब्रिक गैदर हो जाएगा वहां पर आपको 3 प्लेट्स बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरी दोनों स्लीव्स मैंने बना चुकी हैं और अब मैं इसे सिलाई मशीन की हेल्प से स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया, अब मैं इसे फ्लिप करूंगी रॉन्ग साइड और अपनी जो ये साइड की फिटिंग दे दूंगी। स्लीव्स और साइड की फिटिंग्स हमें सब यहाँ पे दे देना है। मैं नीचे के हिस्से को हेम नहीं करूंगी, मैं इसे ऐसे ही ओपन रहने दूंगी। अगर आपको इसे हेम करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो ये मेरा टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैंने ये व्हाइट बटन इसके सेंटर पॉइंट में इस तरीके से फ्रंट में लगा लिया है, जिससे मेरा टॉप और भी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना कूल रफल स्लीव या प्लीटेड स्लीव डेनिम टॉप इसे कह सकते हैं। ये डेनिम ड्रेस बहुत ही इजी मेथड से मैंने बना लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डेनिम टॉप ड्रेस अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और सजेस्ट भी कीजिए आपको मुझे और क्या बनाना होगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम।